देखिए दोस्तों, आपका मशीन भारी चलता है, रखे रखे डस्ट हो जाने से भी मशीन जाम हो जाता है, या ये तेल जो हमारे मशीन का पार्ट में सूख जाने से भी मशीन हमारा भारी चलने लगता है। तो उसको फ्री करने के लिए हम मशीन में कहाँ कहाँ तेल डालेंगे आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहला पोजिशन तो यहाँ ऑयल लिखा हुआ रहता है, ये जो हमारा मशीन का तीन होल ऊपर में रहता है जो लिखा हुआ है ऑयल, यानी ये तीर चिन्ह से दिया हुआ है, इसमें 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 तीन जगह आप डाल दीजिएगा ऑयल, फिर मशीन चलाइएगा। फिर इसको बोला जाता है नीडल बार, ये जो फंक्शन हमारा करता है अप डाउन, ये इसको ऊपर में तेल डाल दीजिएगा, नीचे तक चला जाएगा, फिर मशीन आपको भारी चलता है, शटल जाम हो जाने से भी मशीन भारी चलता है। तो इसको फ्री करने के लिए मशीन ऐसे करके इसमें तेल डालिएगा इसे, और मशीन घुमाइएगा। अगर ज़्यादा भारी हो मशीन तो और फ्री करने के लिए अब मशीन को ऐसे अपने साइड में सुला दीजिएगा, और जहाँ जहाँ पार्ट्स का कनेक्शन लगा है सब जॉइंट पर एक एक बूंद तेल डालिएगा। तेल डालने के बाद में आप सब मशीन को उठाइएगा और फिर चक्का घुमाइएगा। देखिए मशीन कितना फ्री हो गया, स्मूथ हो गया है। पीछे में भी जाम हो जाता है, पीछे में मशीन का रोलर रहता है जो हमारा चाल को बढ़ाता है। यहाँ भी आप तेल ऐसे डाल सकते हैं और फिर मशीन घुमाइएगा। देखिए ऑयल से मशीन पूरा भरपूर हो गया है, आप पार्ट्स स्लिपिंग करेगा और ये मशीन पूरा फ्री हो गया तेल के सहारे। तो आप लोग भी घर बैठे मशीन में तेल डाल सकते हैं, और बहुत लोग पूछते हैं कि तेल कहाँ कहाँ डालना है, तो जहाँ जहाँ हम आप लोग को बता दिए हैं वहाँ तेल डालिएगा और मशीन पूरा फ्री हो जाएगा। तो आप लोग को ये अच्छा वीडियो लगा होगा तो हमारा चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और आगे की वीडियो हम बना सकें।